दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के घर में यदि आप प्रतीक और अक्षरा के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के घर में इन दोनों के बीच में एक बार फिर से दूरियां खत्म होती जा रही है और दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अक्षरा सिंह ने प्रतीक सहजपाल को किचन एरिया में सभी के सामने गले लगा लिया। हुआ कुछ यूं था कि दोस्तों आपको बता दें कि आज अक्षरा सिंह ने घर वालों के लिए अपने बर्थडे के खास मौके पर खीर बनाई थी, जो कि काफ़ी अच्छी बनी थी। और इसी बात की मिलिंद गावा ने घर के सभी कंटेस्टेंट के सामने तारीफ की और कहा कि आज खीर काफ़ी अच्छी बनी है। इतने में नेहा भसीन ने भी कहा कि खीर तो मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी थी और काफ़ी दिनों बाद मैंने ऐसी खीर चखी है। इस दौरान दोस्तों प्रतीक सहजपाल भी वहीं खड़े थे और प्रतीक ने कहा कि खीर मुझे भी काफ़ी पसंद आई, ऐसा लगा मानो मेरी माँ या फिर मेरी दादी ने बनाई है। ये सुनकर दोस्तों अक्षरा को हंसी आ गई और अक्षरा ने कहा कि अब तुमने मुझे अपनी मम्मी भी बना दिया, जिस पर प्रतीक ने कहा कि नहीं, सच में आज मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई, आपने खीर इतनी अच्छी जो बनाई है। जिसके बाद अक्षरा सिंह ने प्रतीक को अपने गले लगाते हुए थैंक यू कहा और प्रतीक भी काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दिया और इन दोनों की बॉन्डिंग वाकई काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। लेकिन दोस्तों घर वाले प्रतीक और अक्षरा की इस बात पर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और मिलिंद गावा ने कह दिया कि यहाँ पर तुझे अपनी कोई में माँ दिखती है तो किसी में तुझको अपनी दादी दिखती है। ये सुनकर दिव्या अग्रवाल को भी हंसी आ गई। खैर दोस्तों, जो कुछ भी हो, प्रतीक और अक्षरा के बीच में चल रही दुश्मनी खत्म हो जाए और इनके बीच में एक बार फिर से दोस्ती हो जाए, यही हम सब चाहते हैं। फिलहाल दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।